दोस्तों, दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले समय में एनसीआर के लाखों लोगों के लिए राहत, सहूलियत और कई तरह की सुविधाएं लेकर आ रहा है। दरअसल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हाई स्पीड ट्रेन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस योजना के धरातल पर उतरने के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली से यात्री महज 21 मिनट में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। गौरतलब है कि बुलेट ट्रेन का दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर गौतम बुद्ध नगर जिले से भी होकर गुजरेगा। बुलेट ट्रेन का एक स्टेशन नोएडा में जबकि दूसरा स्टेशन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनेगा। इसके पूरा हो जाने के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि हाल ही में बुलेट ट्रेन के दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर को लेकर ग्रेटर नोएडा में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों की बैठक हुई थी। इस दौरान परियोजना को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि इसके लिए 160.81 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता होगी। परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए सिर्फ 60.19 हेक्टेयर भूमि किसानों से खरीदी जाएगी, जबकि बाकी जमीन सरकारी होगी। दिल्ली से तकरीबन 62.5 किलोमीटर की दूरी महज 21 मिनट में पूरी हो जाएगी, जबकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आगरा पहुंचने में सिर्फ 33 मिनट का समय लगेगा। एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग में ही बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाने की प्लानिंग है, जिससे एयरपोर्ट के यात्रियों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर गौतम बुद्ध नगर ऐसा अकेला जिला होगा जिसमें दो स्टेशन बनाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि परियोजना के बाबत किसानों से आपसी समझौते के आधार पर जमीन खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। परियोजना से प्रभावित किसानों को 2013 के जमीन अधिग्रहण कानून के लाभ मिलेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे बनाया जाएगा। ये कॉरिडोर नोएडा में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और फिर यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे आगरा तक जाएगा। ऐसे में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पास पहले से ही जमीनें उपलब्ध हैं। ऐसे में इस परियोजना में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इस रूट का आखिरी स्टेशन वाराणसी होगा। दिल्ली से लखनऊ तक 2.5 घंटे और दिल्ली से वाराणसी तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लगेगा। दिल्ली वाराणसी के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के 22 जिलों से होकर गुजरेगा। ये परियोजना नोएडा, मथुरा, आगरा, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी जैसे महत्वपूर्ण शहरों को दिल्ली से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर पर कुल 12 स्टेशन बनाने हैं। बुलेट ट्रेन नोएडा सेक्टर 148, नोएडा एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, कन्नौज, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज और भदोही में रुकेगी। वहीं दिल्ली में सराय काले खां से बुलेट ट्रेन के चलने के बाद नोएडा में सेक्टर 148 पर पहला पड़ाव होगा। इसके बाद यहां से चलकर इसका अगला स्टेशन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।